हेलो फ्रेंड्स, आप शैम्पू में ऐसी कौन सी चीज़ मिलाकर अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं कि पुराने से पुराना मैल, गंदगी और डार्कनेस एक ही बार में दूर हो जाएगी। और फ्रेंड्स, इसे अप्लाई करने के बाद आपका फेस बहुत ही ज़्यादा क्लियर और ब्राइट भी हो जाएगा। और इसको बनाते कैसे हैं, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने पूरे फेस को अच्छे से क्लीन करना है। अब आप यहाँ पर चौथा हिस्सा चम्मच शैम्पू ऐड करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम शैम्पू से अपने फेस को क्लीन करते हैं तो हमारे फेस पर जितनी भी मैल, गंदगी और डार्कनेस आ जाती है, ये उसको डीपली क्लीन करता है। और हमारे चेहरे पर जितने भी मेकअप या फिर कई बार डर्ट हो जाती है, ये उसको डीपली क्लिनजिंग करके फेस को एकदम क्लियर बनाता है। अब आप इसमें चौथा हिस्सा चम्मच शैम्पू ऐड करेंगे। उसके बाद आपको इसमें आधा चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करना है, क्योंकि एलोवेरा जेल जो होता है वो हमारे फेस को ग्लोइंग बनाता है। और इसके साथ जब हम इसको शैम्पू के साथ ऐड करके अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो हमारे फेस पर बहुत ही ज़्यादा चमक आती है। और फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में आप इसमें आधा चम्मच शहद ऐड करेंगे, क्योंकि शहद जो होता है वो हमारे फेस पर मॉइस्चराइज़र बनाए रखता है। कई बार जब हम अपना फेस क्लीन करते हैं तो उसके बाद हमारा फेस बहुत ही ज़्यादा ड्राई लगता है, पर जब हम इसमें शहद ऐड करेंगे तो हमारे फेस पर ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं आएगी। और इसको फेस वॉश करने के बाद आपका फेस बहुत ही ज़्यादा क्लियर भी लगेगा और साथ ही साथ स्किन बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट भी रहेगी। अब आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और सबसे पहले आपको अपने फेस की क्लिनजिंग करनी है। अब सबसे पहले आप इसको अपने पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद आपको 1 से 2 मिनट के लिए हल्के हाथों से मसाज करनी है, ताकि जितना भी डर्ट और मेकअप है वो हमारे फेस से रिमूव हो जाए। और फ्रेंड्स, उसके बाद आप इसको पानी की हेल्प से क्लीन करेंगे। और फ्रेंड्स, देखिएगा कि सिर्फ क्लिनजिंग करने से ही आपका फेस बहुत ही ज़्यादा क्लियर और ब्राइट हो जाएगा, और जितनी भी डेड स्किन और डेड सेल्स होते हैं वो बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे, और जो आपकी स्किन होगी वो भी बहुत ही ज़्यादा क्लियर और ब्राइट हो जाएगी, और साथ ही साथ आपके चेहरे पर चमक भी बहुत ज़्यादा आएगी और स्किन बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट भी लगेगी। अब फ्रेंड्स, इसके बाद आपको एक फेस पैक अप्लाई करना है। फेस पैक बनाने के लिए आप यहाँ पर आधा चम्मच बेसन ऐड करेंगे, क्योंकि बेसन ब्लैक हेड्स और वाइट हेड की प्रॉब्लम को दूर करता है और चेहरे पर जितने भी अनचाहे बाल हो जाते हैं उनको भी रिमूव करता है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको इसमें चुटकी भर हल्दी ऐड करनी है, क्योंकि हल्दी जो होती है वो जितने भी पिंपल और एक्ने हो जाते हैं उनको तो दूर करती है, और इसके साथ हमारे फेस पर दानों के निशान और काले धब्बे जो हो जाते हैं ये उनको भी क्योर करती है। फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में आप थोड़ा थोड़ा करके रोज़ वाटर डालते जाएंगे और इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि रोज़ वाटर नेचुरल टोनर की तरह काम करता है, जितने भी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो जाती है फेस पर उसको दूर करता है। अब आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स, क्लिनजिंग करने के बाद आपको ये फेस पैक अप्लाई करना है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर और ब्राइट कर देगा चेहरे को। अब फ्रेंड्स, क्लिनजिंग करने के बाद आप अपने पूरे फेस पर इस फेस पैक को अप्लाई करेंगे, और जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपको इसको क्लीन नहीं करना है, आप इसको रगड़ते हुए निकालेंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमारे फेस पर अनचाहे बाल जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं, और जितने भी पिंपल और एक्ने के निशान हो जाते हैं वो भी दूर होते हैं, और डेड स्किन तो जड़ से निकल जाती है। और फ्रेंड्स, देखिएगा कि सिर्फ क्लिनजिंग और ये फेस पैक लगाने से ही आपका फेस बहुत ही ज़्यादा चमक जाएगा, और जितनी भी मैल, गंदगी और फेस पर डार्कनेस आ गई है वो भी एक ही बार में दूर हो जाएगी। और फ्रेंड्स, जब आप इसको अच्छे से रब करते हुए निकालेंगे, उसके बाद आप इसको पानी की हेल्प से क्लीन करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।